और देखिए जब भी कभी कोई मूवमेंट शुरू होती है तो उस मूवमेंट को चलाने के लिए जो फ्लैग होता है, झंडा होता है, सबसे अहम होता है, और झंडा ही जो मूवमेंट को आगे लेके जाता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो उस वक्त किसानों ने अपने ट्रैक्टर के आगे, गाड़ियों के आगे, ट्रकों के आगे किसान मोर्चे के झंडे लगाए थे। हर गाड़ी रुकती थी और झंडा अपनी गाड़ी के आगे लगाकर आगे निकलते थे। दिल्ली में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, लेकिन आज 15 अगस्त का दिन है और जो मूवमेंट है इस समय धीमी चाहे पड़ चुकी है, लेकिन किसानों में अभी भी वही जोश है जो उस वक्त था जब ये शुरू हुआ था आंदोलन। तो अभी हम जहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि झंडे जहाँ पर, तिरंगे झंडे जो हमारे देश की शान है, तिरंगे झंडे 15 अगस्त को हर सरकारी बिल्डिंग पर, हर स्टेट में, हर गांव में लहराए जाते हैं। और ये जो सेरेमनी है 15 अगस्त की, हर स्कूल कॉलेज में भी मनाई जाती है। तो आज हम ये झंडे आपको दिखा रहे हैं। झंडा ही हमारी शान है, चाहे वो किसान है, चाहे वो हमारा देश है। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं कि झंडे जो हैं हर मजहब के, हर राष्ट्र के, और हर जो पार्टी है या हर कोई किसान आंदोलन है, किसी आंदोलन से या मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। तो आइए हम जहाँ पर जो झंडे बेचने वाले हैं उनसे मिलते हैं, वो क्या कहते हैं झंडों के बारे। जब ये शुरू हुआ था 6-7 महीने पहले, तो आज यहाँ पर क्या हालात हैं तो हम इनसे पूछेंगे। और देखिए, इस समय हम दराहे के पास खड़े हैं। नेशनल हाईवे है, दिल्ली की तरफ सड़क जाती है। सुबह से लेकर रात तक बारी नहीं आती थी, झंडे पर झंडा बिकता था, झंडे पर झंडा बिकता था, झंडे पर झंडा बिकता था। हर गाड़ी वाला, हर ट्राली वाला, हर बस वाला, हर ट्रक वाला, हर मोटरसाइकिल वाला कहता झंडा दो, हम किसान आंदोलन में जा रहे हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं 15 अगस्त है, झंडे भी हैं जहाँ पर, किसान भी हैं गाँव में, लेकिन झंडे खरीदने वाला कोई नहीं है। तो दर्शन राम जी कहते हैं कि झंडे चाहे बिकने बंद हो गए हैं, कम हो गए हैं, लोगों ने खरीदने बंद कर दिए, लेकिन जो सभी भी लोगों में बरकरार है। तो दसो जिले झंडे पहले जितना तुझे अपने आप आख्या किन्ने कि भेज देंगे, किन्ने किन्ने? तकरीबन उस टाइम पहला नंबर ना लोगों ने रेट बहुत महंगे ला के बेचे। जो असी गए असी 100 रुपए तो शुरू झंडा कर, तो वो असी बेचा लोगों ने 500 रुपए, 400, 300 रुपए बेचा, लुटिया लोगों। साढ़े जाने तो एक तो लोगों की जेब से घट्टा असर पे, 20-20 हज़ार रुपए से जानी मैं बेच आता थी झंडे। मेरे को पिंडा के लोग 20-50 झंडे कट्ठे लै जाते थे। कोई भी नेता आवे, मैं तो बेनती करना चाहना भी वो काम ना करो जोड़ा घाटे लिए बंजद हो गए। इन्ने लोग सड़क से बजुर्ग मर रहे ने, बच्चे मर रहे ने, आ काम नहीं दी होना चाहिए। किसान की बैठ के गल सुन। अच्छा, पहले जो झंडे कहते 4-4, 500-500 रुपए का बेचते रहे जो बंदे थे, तो हूँ झंडा जरा किन्ने का वा? नहीं, हूँ देखो 100 रुपए तो लैके 200 रुपए तक झंडा बिक रहा। पर ठीक है, बच्चे अजक चंगी चीज़ा लेंदे, जिमें रोस आ, काला आ गया, तिरंगा आ गया, साड़ी देश की जान आ तिरंगा, ये होने चाहिए ने। जोड़ा तिरंगा एक साढ़े देश की शान आ, एक किसानी अंदोलन ना जिंदगी देखा ना देखांगे, आने वाला समा कदे नहीं देखेगा। ठीक है, आपो अपनी सोच आ, कोई पैसे नाल रज के पै रहा, कोई भुखा पै रहा, कोई मेहनत करके पै रहा, पैना सारे ने आ, पर पाओ तरीके नाल। ये नहीं मलमला ते ही पई जाओ, कोई इंसान कंडिया भी सुता, ये हुण कंडिया भी सुते ने, ट्रैलियां कौन सुता साडे? ट्रैलियां ही कचरा जां अपने कणक जां जीरी भर के लियाउंदे दी, हुण आप सुते आ। अच्छा, हुण जिहड़े झंडे तुहाडे दिहाड़े 'च किन्ने विकदे ने? हुण तकरीबन 4,000 या 5,000 रुपए की सेल मेरी हैगी। बहुत पुराना मैं झंडे बेच रहा, पहले तो शुरू तो बेच रहा, पर ठीक है भी अजक लोग थोड़ा जहा घट ला लो, जो लोगों के पैसा घट ला लो जेब च। तेल महंगा, हर एक चीज़ महंगी आ, आलू प्याज सब्जी तो लोग खा ही नहीं रहे, गरीब बंदा चटनी कुट के खा रहा, वो कितों झंडा लाएगा? हाँ ठीक है, जान जोगा किराया नहीं लोगों को, मजबूरी है, जाना पै रहा, नहीं जाते पिंड के लोग भी माड़ा कहे, अपने आप में भी माड़ा महसूस होंगे।
बाकी अगर सच्चे पातशाह की मर्जी आओ जिदा मर्जी करे। और देखे दर्शन राम जी ने कहा कि झंडे पहले भी बिकते थे, अभी बिक रहे हैं। और झंडे पहले जो किसान आंदोलन शुरू हुआ था उस समय तो बहुत महंगे थे और लोग बहुत खरीदते थे, लेकिन आज भी लोग खरीद रहे हैं। तो देखे झंडे बेचने वाला दर्शन राम बाजीगर है, झंडा हाथ में कहना चाहते है। देखो ये किसान दियाँ गल्लां मन लैन तो वधिया गल्लां ने, हिम्मत का जिहड़ा किसान आ ये कदे नहीं हार सकता। पहला नंबर तो इन्हां नूं सच्चे पातशाह ने देन इदां दी दित्ती आ कि शक्ति बहुत है इन्हां दे विच, ये किसी चीज़ तो पिछे हटने वाले नहीं। ये 100 साल की कोई चीज़ इन्हां दी गुआची होवे वह याद आ जाती है इन्हां दे। तो मोदी साहब याद तुसीं इन्हां नूं आउंदे रहोगे, बच्चे बच्चे नूं आउंदे रहोगे, ये आने वाली नस्लां भी तुहानू नहीं बख्शन गियां। एक मैं बाजीगर सैल कनी वो गल कह रहा, मैं किसानों के नाल घूमता भी हाँ, जाता भी हाँ। खुद मैं आप हिंदू राज हाँ, हिंदू हाँ, ये सिख ने वो कौन ने, सारे असी इको हाँ। और देखिए दर्शन राम जी कहते हैं कि ये जो हमारी सिख और हिंदू कम्युनिटी है एक है, लेकिन किसानों की जो जायज बातें हैं जो कानून है उनको रद्द कर देने चाहिए। कहते बाकी जो मोदी कर रहा है जो ठीक कर रहा है, लेकिन जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। देखिए किसान आंदोलन अभी थमा नहीं है, किसान आंदोलन चल रहा है। और देखिए हाईवे है, मैंने पहले बताया था आपको कि दिल्ली जाने के लिए अम्बरसर पठानकोट फिरोजपुर होशियारपुर यही रास्ता है दिल्ली जाने के लिए। अभी देखिए ये नौजवान जो हैं किसान आंदोलन से आए हैं, दिल्ली से आए हैं। ये देखिए जहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, दिखाइए इधर, ये देखिए चाय वगैरह और जहाँ पर खाने का इंतजाम है बाबा दयाल सिंह की तरफ से, जहाँ पर ज्ञान सिंह जी जो हैं संत बाबा उनकी कार सेवा चल रही है जहाँ पर। और वो खाने के लिए जब से किसान आंदोलन चल रहा है लोगों को वो सुबह से लेकर रात तक चाय पानी भोजन का प्रबंध करवा के दे रहे हैं। पिंड कुहाड़ कलां, हाँ जी, बंदा लुधियाना नहीं, डिस्ट्रिक्ट जलंधर, डिस्ट्रिक्ट जलंधर तो कुहाड़ अपना कुहाड़ तो आए ने, डिस्ट्रिक्ट जलंधर तो आए ने। तुस कितों आए हो? बरमालीपुर तो जी। हाँ जी, बरमालीपुर तो आए ने। तो किन्ने के लोग आते हैं इतने सवेर तो लाके शाम तक? लखा साहब ना आते जी, लखा साहब ना आते। हाँ जी, मेला लग्या रहता? मेला ही लग्या रहता। लेकर गए थे दिल्ली, तो दिल्ली कितने के लोग बैठे ने जी? दिल्ली बहुत लोग बैठे, बहुत ज़्यादा लोग बैठे। हाँ जी, हाँ जी, बहुत रश ज़्यादा है उत्थे। अच्छा, हाँ जी, ये कानून रद्द कराने वास्ते कानून रद्द करा के ही उन्होंने वापस जाना। जे नहीं रुद कानून रद्द करते तो असं मर के आवेंगे, उदा नहीं आते। हाँ जी, गलत की है? गलत सब कुछ इन्हें जो कारपोर्ट कराने उन्होंने सब दिता, हूँ नहीं देख लो अना सरों खरीदी है। अल 15-20 दिन के साला तेल जरा 80 रुपये तो 200 रुपये तेल चला गया, की करांगे असीं? गरीब आदमी की करूगा? ठीक है जिमीदार हले 4 दिन कटूगा, जिहड़ा गरीब आदमी जब दिहाड़ीदार है जब दूसरा वो की करूगा? पेट्रोल भी कहते महंगा, पेट्रोल तो सत्यानाश कर दिता बिल्कुल, साढ़े डीजल की पेट्रोल की सब उपर ही ले गया है। ये सारा खाण के तुले हुए कारपोर घराने जोड़े उन्होंने ही सब कुछ खुआ रहे। देखिए ये सभी लोग दिल्ली से आए हैं और देखिए जहाँ पर चाय पानी के लिए रुक गए हैं, जहाँ पर दिल्ली हाईवे पर हम जहाँ पर खड़े हुए हैं किसान आंदोलन चल रहा है। और किसान आंदोलन के चलते जहाँ पर जितने भी लोग हैं अपने अपने राय हैं, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए कि ये तेल क्यों महंगा हो रहा है, ये डीजल क्यों महंगा हो रहा है, ये खाने का तेल क्यों महंगा हो गया। ये तो लोगों को शक पड़ने लग गया है कि ये जरूर कारपोरेट जो घराने हैं उन्हीं की बदौलत ये हो रहा है, नहीं तो ये 100 रुपये जो सरसों का तेल था 170-180 रुपये हो गया। ये मोदी जो है ना, मोदी नूं असल जानते नूं सरकार चलाउण दा नहीं पता। जे इन सरकार चलाउण दा पता होंदे तो पहले दिन जदों लोगों ने किसानां ने मोर्चा चक्किया सी उदों ही हल कर लैंदा तो मुल्क दा इन्ना नुकसान ना होंदा। इन्ना इन्हें नुकसान किया मुल्क दा, मुल्क बहुत पिछे लैके आए। एक दिन लड़ाई लग जाए तो 10 साल मुल्क पिछे चला जाता। हुण इन्हें 8-9-11 महीने हो गए तकरीबन पहला रेलां दी, ते हुण दिल्ली दे विच 9-8.5 महीने हो गए, 9वां महीना खत्म होने वाला है। इन्हें सत्यानाश कर दिता उत्थे बिठा बिठा के, क्योंकि दुनिया सारी उस तरह बैठी है, कोई जाण नूं तैयार नहीं, क्योंकि कहिंदे असीं अज भी मरे तो कल भी मरे। और देखिए किसान आंदोलन चल रहा है, अभी रोका नहीं है, दिल्ली लोग जाते हैं और दिल्ली से वापस आते हैं। हाईवे है और यहाँ पर ये संत बाबा ज्ञान सिंह की तरफ से परमानेंट जहाँ पर ये
भोजन का खाने पीने का इंतजाम किया गया है। जो नौजवान दिल्ली से वापस आए हैं अपने घरों को जा रहे हैं। साड़ी पांचवी पीढ़ी है, साड़ी पांचवी पीढ़ी जो अं जथियां दे जा रहे हैं। हिंदुस्तान आज़ाद कराया उहदे विच भी अं योगदान पाया, तो अज काले कानून जो पहले 1907 दे विच चले उहदे विच भी असीं योगदान पाया, तो अज जिहड़ा चल रहा उहदे विच भी असीं पा रहे हैं। और देखो 5-6 महीने बाद पंजाब दे इलैक्शन होने वाले ने, जलंधर के कुछ नौजवान इतने खड़े ने, इन्हें पुछा कि आने वाली सरकार कि होगी? नहीं, वोट तो अभी पावे भी जी सू भी लगता भी साढ़े हकों के सरकार खड़ूगी। नहीं भी कांग्रेस का तो नहीं बन, नहीं अकाली भी नहीं पावे। फैसला नहीं हो रहा, फैसला नहीं हो रहा, असं कि वोट नहीं पावे। नोटा पावर का पता मतलब किसी वोट नहीं पानी, जिन्हें भी किसान खड़े ने अज तो इन्हों का जाने के रोष आ गई संघर्ष खत्म नहीं होंगे। नोटा पावर वोट पावे कांग्रेस वाले अकाली आ आप असि सारे वोट लाते हैं, पिंड नहीं वड़ना। कहते हैं कि गांव में हम किसी को घुसने देंगे, कोई लीडर आए, कांग्रेस आए, अकाली आए, भाजपा वाले आए, कोई भी आए, कोई भाजपा वाले। और देखिए जहां पर ये कहते हैं हम किसी को वोट नहीं डालेंगे अब की बार, हाँ पंजाब में कहते हैं आप वोट किसी को नहीं डालेंगे। और देखिए जो दिल्ली से आए थे और दिल्ली के बाद जो किसान जा रहे हैं,